देखो, मेरा नाम एडवोकेट सुधीर धामा है और मेरी धर्मपत्नी जो है राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से जो है कस्बा खेगड़ा में नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार है और कल नॉमिनेशन हम कर चुके हैं। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से बुलवाई है क्योंकि विपक्ष भी अब टिकट देने की तैयारी में है और टिकट जो है वो जो प्रत्याशी हैं उनके जो खुलेआम पंपलेट चिपकाए जा रहे हैं योगी जी के, वो प्रत्याशी जो हैं उनकी एक लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो मैं आप सबके सामने दिखा रहा हूँ। इन पे देखो, ये गैंगस्टर, गुंडा एक्ट 302, गैंगस्टर 25, आर्म एक्ट, तो इस तरह के अलग अलग परिवार के कई लोगों पे मुकदमे हैं, गंभीर मुकदमे हैं, दो दो हत्याओं में नामजद मुकदमे हैं। ऐसे परिवार को अगर बीजेपी सरकार बढ़ावा देगी तो क्या अतीक, एक नया अतीक कस्बा खेकड़ा में या जनपद बागपत में पैदा होगा या नहीं होगा? कस्बा खेकड़ा का चुनाव एक ऐसा चुनाव इन लोगों ने बना दिया है कि हर चुनाव में कोई ना कोई मर्डर होता है, और ऐसे माहौल में एक क्रिमिनल फैमिली को वो बीजेपी सरकार अगर फार्म भरने की अनुमति देती है या टिकट देती है या अपने चुनाव चिन्ह पे वो उन्हें चुनाव लड़ाती है तो भली भांति इनका दोगला चेहरा सरकार के सामने आएगा, पब्लिक के सामने आएगा। ये मैं इसी वजह से आज की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। किससे मान रहे हैं आप, मुकाबला कौन है सामने? देखो, मुकाबला सीधी सी बात है, आमने सामने गठबंधन और बीजेपी की टक्कर होगी और धर्मपत्नी रजनी धामा और नीलम धामा दोनों में आमने सामने टक्कर है, और नीलम धामा जो है योगी जी के साथ जो है पंपलेट छपवा रही है, स्टिकर लगा रही है, और जो उस फैमिली से बिलोंग करती है जिसकी ये लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है। नीलम धामा पर भी कुछ? नीलम धामा नामजद थी एक मर्डर में, उसके बाद में केस ट्रायल में जो हुआ है वो उन्हें क्लीन चिट मिली है, वो आज पिछले चुनाव का एक मुकदमा भी है, और ये जो मुकदमे हैं ये सभी इनके परिवार पे हैं और परिवार से अलग नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बीजेपी सरकार अतीक का लड़का हो चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी क्रिमिनल फैन, विकास दुबे जो नई नई शादी हुई थी, क्या वो उस पर मुकदमे थे क्या? जब उस पर मुकदमे नहीं थे वो भी जेल चली गई, वो भी जेल भेज दी गई। तो मेरा मानना ये है कि जो क्रिमिनल फैमिली है उसका तो हर आदमी क्रिमिनल प्रवृत्ति का होगा क्योंकि उसे शरण दी जा रही है उस परिवार में। नगर पालिका में पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, आरएनडी का सिंबल आपको मिला, किस तरह की जनता से उम्मीद रखते हैं? जनता से मुझे पूरी उम्मीद है, जनता ने विश्वास मेरे ऊपर जताया है और मुझे जनता के ऊपर विश्वास है, और विकास और केवल विकास मेरा मुद्दा है, और कस्बे में जो ये गुंडागर्दी, जो ये गोलीबाजी जो चल रही है इसके अंत के लिए कस्बा तैयार है। अब कस्बा किसी भी सूरत में ऐसे किसी भी क्रिमिनल को वोट नहीं देगा जिससे आगे की खून खराबा हो। यहाँ पे चुनावी रंजिश में 5 मर्डर हो चुके, 7 आदमी जो है सजा याफ्ता हैं, तो ऐसे माहौल में कई घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं, तो जनता ये चाहती है कि कस्बे में शांति हो और भाईचारे की जो है आवाज़ बुलंद हो। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबरों का अपडेट आप सबसे पहले पाएं।